आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पहले पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है और इनके आंसर देने हैं। ये एक तरीके से रिविजन क्वेश्चंस की तरह भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर वन के साथ। क्वेश्चन नंबर वन है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था, यानी गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किस चीज़ में किया था या कौन से आंदोलन में किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो रहेगा आपका अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। और इससे रिलेटेड एक बात बता दूँ, ये है बात 1918 की, जिसमें मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में जो थोड़ा सा विवाद हो गया था बोनस को लेकर, प्लेग बोनस को लेकर। तो गांधी जी ने यहाँ पर 3 दिन का के अनशन की घोषणा की थी, भूख हड़ताल की थी, और बाद में मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए यानी अग्री हो गए थे, बात करने के लिए तैयार हो गए थे, और उनको फाइनली बोनस देना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, यानी इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो इसका जो आंसर जाएगा वो रहेगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने पार्ट लिया यानी भाग लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे। 1947 में बने नेहरू की जो सरकार थी उसमें कानून मंत्री कौन बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये कब की बात है, 15 अगस्त 1947 में प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने थे, और महात्मा गांधी जी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने के लिए न्योता दिया गया था। ठीक है, और इस भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इनमें से वह कौन व्यक्ति है जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या फिर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पुनर्जागरण का पिता, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता पूछ लिया जाए तो इसका आंसर राजा राम मोहन राय ही जाएगा, या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, या फिर अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत या भविष्य के मध्य सेतु कहा जाए तो भी यही आंसर जाएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पूछा जाए तो भी यही आंसर जाएगा, या फिर प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाए। ठीक है, अगर युग दूत वर्ड भी आता है तो भी यही आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से जिन्होंने लेखन के माध्यम से स्वराज्य शब्द की मांग उठाई, मतलब स्वराज्य की मांग उठाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य की मांग उठाई थी, और उन्होंने भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से रिलेटेड जो एक विचारधारा थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर हम सर्वोच्चता को निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के आधार पर, यानी दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने ये कहा कि जन्म के आधार पर सर्वोच्चता को निर्धारित नहीं किया जा सकता, और इसलिए उन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, और उन्होंने जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का पुरजोर विरोध किया, यानी पूरी तरीके से विरोध किया। क्वेश्चन नंबर सेवन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इनमें से वो कौन व्यक्ति है जिसने 1857 का जो विद्रोह है उसको कहा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम है
भारत का। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा वी डी सावरकर। और उन्होंने अपनी बुक में जिसका नाम क्या है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक का नाम ध्यान रखना है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857। इसमें उन्होंने विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड लिटन। के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया था, प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया था, और जो विषय थे, एक तो आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे, उनके भेद को भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, उनका भी भेद समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? भारत में कौन से वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया, यानी अब जन आंदोलन उसको कहा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1919 का। तो ये आपको पता ही है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था मार्च में, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की भी घोषणा की थी और उसका आयोजन किया था, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद तुर्की खलीफा को उसके पद से हटाए जाने की बात हो रही थी, तो इसके लिए भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जब हुआ था तो उसका प्राथमिक उद्देश्य रखा गया कि उन्होंने खलीफा का समर्थन किया, ठीक है। 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई वह कौन से नाम से जानी जाती थी, या फिर उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हंटर समिति। और ये सारे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, पीजीटी लेवल के, पीजीटी पॉल साइंस लेवल के, तो आपको ध्यान रखना है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 में, जिसकी जाँच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया, और 1920 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया, ठीक है, ये भी हुआ था इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्या सम्मिलित नहीं था, यानी ऐसे असहयोग आंदोलन जो चला था उसका जो एजेंडा था, उसका जो पर्पस था, उसमें इनमें से क्या चीज़ शामिल नहीं थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा कानूनों की अवमानना, ठीक है। इसकी कार्यसूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय, विदेशी सामान, इनका बहिष्कार करने की योजना थी। इसके साथ ही साथ 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस से गांधी जी ने क्या किया था कि वहां से उनको बहिष्कार करने के लिए बोल दिया था कि तुम्हें भी अब वहां पर नहीं जाना है, और 1920 में चुनाव हुए थे उनमें भी तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना है, यानी उसको भी त्याग देना है। तो कानूनों की अवमानना संबंधी कोई योजना इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था, अदालतों का भी, और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार भी शामिल था, और ये वाला शामिल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका मुख्य मुद्दा था काउंसिल प्रवेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो इसका आंसर रहेगा
डॉक्टर एम आर जैकर। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये मार्च 1923 में हुई थी। इसमें कौन कौन शामिल थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और डॉक्टर एम आर जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने केवल एक बार, और वो था 1924 में, और ये आपको अधिवेशन भी याद रखना है, कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, की अध्यक्षता की थी। और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ी लीजिए। गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था, ठीक है, तो ये जो आंदोलन था ये किसके विरुद्ध था? ये आंदोलन था भूमि कर में अधिक वृद्धि के विरुद्ध, ठीक है। देखिए 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुक में गांधी जी ने गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को सफलता मिली थी, ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे संगठित और व्यापक सफल आंदोलन अगर कहा जाए तो यही आंदोलन रहा। और 30% कर के विरोध में था ये मेनली, कि जो सरकार ने 30% कर बढ़ा दिया था उसके विरोध में ये चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया, यानी इनमें से वो कौन सी शक्ति है या उनमें से कौन सी चीज़ है जो 1928 के स्रोत से भारत संविधान में शामिल किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है 19। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में इसमें पूछा जा सकता है कौन सा अधिवेशन में, तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था, और अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की कब, ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 12 मार्च 1930 को। और कहाँ से शुरू की थी ये पूछा जा सकता है, ये शुरू करी थी उन्होंने साबरमती आश्रम से, ठीक है, 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए इन्होंने यहाँ पर ये चल पड़े थे, ठीक है। यात्रा कितने दिनों की थी अगर पूछा जाए तो 24 दिनों की यात्रा थी, ठीक है, और अगर पूछा जाए तो कब पहुँचे थे, तो 12 मार्च 1930 को शुरू कर दी, 6 अप्रैल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी, यानी इतनी इंपॉर्टेंट ये यात्रा थी, तो देखिए इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग रुझान थे, अलग अलग बातें थी, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, भारत में एक प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यानी एक अलग मुस्लिम स्वतंत्र राज्य बनेगा, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए, मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनीतिक चिंतक
मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम इस पृथक मुस्लिम राज्य की बारे में कहा था, प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी। गांधी और नेहरू के विचारों में क्या थी? भिन्नता थी, यानी गांधी और नेहरू के विचार अलग थे, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी। लेकिन वो कौन सी विचारधारा थी, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर दोनों ही अग्री करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, इस पर दोनों ही एग्री करते थे, ठीक है। क्योंकि गांधी जो थे वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वो धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ थे, ठीक है। वो राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के बावजूद सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते थे, ठीक है। और नेहरू जी के विचार गांधी से भिन्न होते हुए भी इस भाव में वो भी आस्था रखते थे जिसमें गांधी जी रखते थे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इनमें से किस चीज़ के ऊपर जोर दिया था, ठीक है। एक बार ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने इनमें से किस चीज़ पर जोर दिया? तो इसका आंसर रहेगा डी, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का क्या क्या प्रबंध किया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कौन से वर्ष में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1936 में, ठीक है। और 1937 में बंबई विधान परिषद ने कृषि दास्ता की प्रथा को उन्होंने समाप्त करने के लिए विधेयक भी रखा था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 1936 में किसने कहा कि गांधी जैसी कोई चीज़ नहीं है, गांधी जैसी कोई चीज़ नहीं है? ये बोला था महात्मा गांधी ने खुद ही, ठीक है। 1936 में उन्होंने वक्तव्य दिया था कि महात्मा गांधी जैसी, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। वाद का मतलब क्या होता है, विचारधारा से रिलेटेड हो जाता है जब, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा कब? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1938 में, ठीक है, 1938 में। और अगर अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में वो उन्होंने 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर रहेगा 22 दिसंबर 1939। हुआ क्या था कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से उन्होंने, कांग्रेस के सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय विधान, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। और इसी दिन मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था कब? तो इसका आंसर रहेगा अगस्त 1942 को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगस्त 1942 को, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड कहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो रहेगा गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड वेवल। ये तीनों मेंबर थे और लॉर्ड वेवल मेंबर नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946, ठीक है, 24 अगस्त 1946, ठीक है।
यह आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस द्वारा वायसराय के जो नए प्रस्ताव थे उसको स्वीकार करने के बाद कब लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया था, ये डेट थी 1 अगस्त, ठीक है। और फिर 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, ठीक है। ये कह सकते हैं कि घोषणा हुई और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। ये पूरा प्रोसेस था, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है घोषणा की बात हुई है तो घोषणा हुई थी 24 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका संविधान ऑब्वियस सी बात है, किसने किया था? संविधान सभा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? वो कौन सी योजना थी जिसके प्रस्ताव की वजह से ही संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन रहेगा इसका, द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो पता कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो ये आंसर जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38। ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए चलाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन विजय जो है वो किसे मुक्त कराने के लिए चलाया गया था या फिर प्राप्त किया गया था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गोवा, ठीक है। अब इस जुड़ा फैक्ट ये है कि भारत द्वारा वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ये मिशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है संसद में, किसमें? संसद में, संसद के पास ये शक्ति होती है, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने की जो का अधिकार जो है, शक्ति जो है, वो भारतीय संसद में निहित है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है यहाँ पर, 3, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 में मेंशन है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको जो आपको करना है वो है राम मनोहर लोहिया, जाने जाते हैं, उनके पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जाने जाते हैं एक समाजवादी अवधारणा के लिए, ठीक है, यानी इनके जो कॉन्सेप्ट विचारधारा है वो समाजवादी है, ठीक है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी विचारक थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्क किया है, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और बाकी वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और यही सीरीज़ है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले पूछे गए हैं यूपी, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, चाहे वो DSSSB हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें पहले ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेफ रहिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का आपको पता ही है, अच्छे से देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।